हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, अल्लाह बोल देख रहे हैं आप, मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ। आज बात होगी किसानों के ऊपर पड़ने वाली मार की। जी हां, कभी किसानों की फसल पर आग लग जाती है, कभी उनकी फसल पर मौसम की मार पड़ जाती है। हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और रादौर और करनाल की बात करें तो यहां पर गेहूं खुले में रखा हुआ, जिसे किसान अपने खून पसीने से जिस फसल को तैयार करता है, खुले में पड़ा हुआ गेहूं सड़ जाता है, जिस वजह से किसान परेशान है। और उसके बावजूद भी प्रदेश में अन्य शहरों में सबक नहीं लिया गया है। उचाना की बात करें तो उचाना में भी इसी तरीके से खुले में गेहूं पड़ा हुआ है। अगर अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला या वहां पर भी बारिश आ गई तो इन शहरों में पड़ा हुआ गेहूं जो खुलेआम मंडियों में पड़ा हुआ है वो भी सड़ जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा और एक बार फिर से किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अल्लाह बोल में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ किसानों की आवाज बनकर। क्या किसान जिस गेहूं को अपने खून पसीने से सींच कर उगाता है उस गेहूं के ये हाल होना ठीक बात है? क्या प्रदेश में मंडियों में शेड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरीके का एक एरिया नहीं होना चाहिए जहां पर गेहूं को सुरक्षित रखा जा सके कि अगर बारिश हो जाती है तो गेहूं पानी की चपेट में आने की वजह से खराब ना हो? इस तरह की व्यवस्थाएं मंडियों में ना होने के चलते कितना क्विंटल गेहूं अब तक बर्बाद हो चुका है। करनाल, राई और रादौर में अभी हाल ही में बारिश आई है और वहां पर पड़ा गेहूं पूरी तरीके से खराब हो गया। किसान परेशान हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। और यही वजह है कि उचाना में भी अब किसान डरे हुए हैं, अगर गलती से भी बारिश हो गई तो खुले में पड़ा गेहूं वहां पर भी सड़ जाएगा। हमारे साथ गुरुग्राम से कॉलर जुड़े हैं, जयवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसानों की इस परेशानी पर क्या कहेंगे आप, जिस गेहूं को इतनी मेहनत से उगाया जाता है अगर वो गेहूं इसी तरीके से खुले में पड़ा रहे और पानी की वजह से खराब हो जाए? जी जयवीर जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए मैडम। जैसे ऐसा होता है किसानों की मेहनत तो खराब हमेशा ही होती है जी। जी अब आपको जैसे गेहूं देख लो या सरसों देख लो, जैसे मंडी में बोल रखा है गवर्नमेंट ने 25 क्विंटल लेंगे, एक किसान भी 25 क्विंटल लेके बाहर में जी, तो उसमें लेते हैं 24-75 मतलब 25 किलो कम, लेकिन नमी हो तो भगाते हैं, भाई नमी है आज नहीं होगा, लाइन में बुरा हाल। ऐसा गेहूं का खुले में डालते हैं, नमी चेक करते हैं, लेकिन आप नमी कर दो कोई दिक्कत नहीं। जी जी भैया, पानी भेजो कुछ भेजो, लेकिन जमींदार की नमी आ गई तो फिर रिजेक्ट कर देंगे, मंडी से जाओ, आपका गेहूं अब नहीं बिकेगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आफत की मार किसानों के ऊपर ही पड़ती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राम स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, किसानों की फसल जिसे वो मेहनत से सींचते हैं वो इस तरीके से अगर बर्बाद हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? नंदनी जी, जिम्मेवार कौन? जी ये सोचने का विषय है जी। हमारे चौकीदार साहब ने 3,000 करोड़ मूर्ति पर खर्च कर दिए जी, रेलियों पे इतना खर्च कर रहे हैं, प्रयागराज पे इतना खर्च कर रहे हैं। अगर ये पैसा इन मंडियों और हर साल होता है या हर साल आप दिखाते हो जी, और हम इनको वो मतलब वोट देते हैं और अपना अधिकार नहीं मांगते। मोदी जी कहते हैं जलपान बाद में, पहले ये भोला भाला इंसान गर्मी में खड़ा हो गए, सर्दी में खड़ा हो गए, भूखा प्यासा आपको वोट देता है, आपको चुनकर भेज दिया है, उसके बावजूद आप इसके साथ अन्याय करते हो। और हमारे सबसे ज्यादा दुर्भाग्य, हमारी कमी सबसे ज्यादा कि हम इनसे प्रसन्न नहीं करते कि आप आए थे पिछली बार तो हमारे को अभी तक आपने क्या दिया, जितनी घोषणा करी उसके बारे में कोई नहीं कर रहा, और सिर्फ
मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। उनका रोजगार दिया जा रहा है जो मतलब है कि मंदिरों में पूजा कर रहे हैं जो उसके कर, उससे कोई लेना देना नहीं किसान का। ये किसान भी उन मंदिरों में बेचारों को दे आते हैं। इस किसान के बारे में सोचो और आम रोजगार के बारे में सोचो, नहीं तो ये बहुत आने वाला समय बहुत घातक होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गुरुग्राम से दर्शक राम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए किसानों के तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, बहुत दुखदायी हो जाता है। कभी किसानों की फसल बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जल जाती है, और अब इस बार देखिए गेहूं की फसल तैयार भी हुई है। इतनी मेहनत से किसान गेहूं तैयार करता है, उसके बाद मंडियों में उन्हें खुलेआम रख दिया जाता है, और बारिश की वजह से देखिए यहाँ पूरा गेहूं खराब हो चुका है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं मनराज जी कैथल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे किसान इतनी मेहनत से जिस गेहूं को तैयार करता है, क्या उसको रखने के लिए एक व्यवस्था तक ना होना, मंडियों में शेड ना होना, कितना निराशाजनक है। जी ना तो भगवान किसान का साथ दे रहा है ना सरकार दे रही है। जी अगर भगवान साथ दे देता फिर भी किसान बच जाता, सरकार तो साथ देती नहीं है। अगर सरकार शेल्टर बनवा दे मंडी में जी कुछ भी नहीं जाएगा, सरकार फालतू में पैसा कहीं कहीं लगा रही है। जी ये भगोड़े नीरव मोदी जैसे भगोड़े पैसा ले लेके भाग रहे हैं जी, विजय माल्या जैसे इतना इतना पैसा लेके भाग रहे हैं। अगर ये पैसा किसानों को दिया होता फिर बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार बिल्कुल निकम्मी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर जुड़े हैं, रमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, क्या किसान जिस फसल को मेहनत से बनाता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए, क्या गेहूं इस तरीके से खुलेआम छोड़ना चाहिए? सरकार का तो फसल की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इतना फसल नुकसान हो रहा है इस टाइम कोई किसी को अंदाजा भी नहीं है। इतनी मतलब कल मैं मंडी में गया था, देखा कि इतनी फसल खुले में पड़ी है, कोई है ही नहीं ध्यान देखने वाला ही नहीं है। जी नुकसान किसका हो रहा है, जमींदार का। जी बिल्कुल कोई देखने वाला ही नहीं, इतना बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी देखने वाला नहीं है। दरअसल तस्वीर सबके सामने होती है, प्रशासन के जो लोग हैं अधिकारी हैं उनको पता सब कुछ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों वो इसी तरीके से नजरअंदाज करते हैं। और हर साल इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत मेहनत से किसान अपनी फसल को बनाता है और जब वो ऐसे सड़ती है खराब होती है तो ये बेहद निराशाजनक है। हमारे साथ सोनीपत से कॉलर जुड़े हैं ओम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है जी, ये सरकार तो किसान विरोधी है, किसान के बारे में कुछ नहीं कर रही जी। इस सरकार ने बहुत बुरा हाल कर दिया है जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं अधिकारियों की भी है कि अगर किसान अपनी फसल को गेहूं को मंडियों में पहुंचा चुका है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, तो उसका आगे ध्यान रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। हमारे साथ कैथल से कॉलर जुड़े हैं दरबारा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्या यहां पर भी किसानों के यही हालात हैं, क्या कहेंगे? किसान आज बिल्कुल तबाही पर है, कुछ मौसम की मार और कुछ सरकार और प्रशासन की मार से जी। अगर सरकार ये चाहे कि किसान सीधे ही गोदाम में डाल दे और वहां जाते ही सरकार का गेहूं हो जाए, इससे मंडी व्यवस्था से भी बचा जा सकता है और सरकार का पैसा भी बचता है, क्योंकि एक किराया तो मंडी तक लेके जाता है किसान, माल जाता है फिर सरकार उसको उठाने में गोदाम तक लेके जाती है जी। सीधा किसान गोदाम तक लेके जाए और वहां जाते ही कांडा का तुलाई होते सरकार का गेहूं हो जाए, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो किसान भी बच सकता है, सरकार का पैसा भी बचता है। लेकिन आज व्यवस्था ऐसी बढ़ा दी कि बिचौलिया और सरकार मिलके किसान को लूट रही है, ये किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। इस देश के किसान को भगवान ही बचा सकता है जी। मतलब आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या मंडियों में अक्सर पूरे प्रदेश की मंडियों में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, गेहूं किसान मंडियों में छोड़कर जाते हैं और खुलेआम ऐसे ही पड़े रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बने रहते हैं, वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है जी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद
दुख देने वाली तस्वीरें होती हैं ये, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से गेहूं तैयार करता है और ऐसे में अगर उनके ऊपर पानी बरस जाए और वो खराब हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों शेड नहीं बनवाया जाता, क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए जाते? हमारे साथ एक और कॉलर पलवल से जुड़े हैं, देशपाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है, मंडियों को लेकर क्या कहेंगे? किसान अपनी गेहूं की फसल वहां छोड़कर आते हैं और इस तरीके से पानी में सड़ना कितना निराशाजनक मानते हैं आप? देशपाल शर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल लगातार कॉलर्स के कॉल आ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि किसानों के जो हालात है वो हर दिन के साथ खराब ही हो रहे हैं और देश में जय जवान और जय किसान का नारा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के साथ देखिए क्या हो रहा है। कैथल से कॉलर जुड़े हमारे साथ, हरमेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बोलेंगे इस पूरी घटना पर? प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, खुले में पड़ा गेहूं सड़ गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैडम, ये तो बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है जी, किसानों को पीछे लेके आने की जी। जी हाँ जी, एक 2% नमी के कारण भी खरीद फरोख्त हो जाती जी, ये तो बिल्कुल किसान तबाह करने वाली सरकार है जी, बिल्कुल जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरमेल जी। तो किसानों के जो गेहूं होते हैं अगर उनमें नमी पड़ जाए तो उसको खरीदा नहीं जाता, उस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत फूक फूक कर कदम रखकर किसान अपनी फसल को उगाता है और देखिए कैसे मौसम की मार यहाँ पड़ी है, ना सिर्फ राई में, रादौर में, करनाल में, मंडी में गेहूं ऐसे ही पड़ा हुआ था, पूरे प्रदेश की अधिकतर मंडियों की यही तस्वीर है, लेकिन इन तीन क्षेत्रों में मौसम की मार पड़ी, बारिश हुई, ये गेहूं की जो फसल है, गेहूं जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। कॉलर जुड़े बहादुरगढ़ से, प्रदीप धनखड़ जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? ये जो गेहूं की अनदेखी या किसान की भी है जी। हेलो जी, ये जो अनदेखी और ये मंडियों में किसान की जी, तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेवार है, क्योंकि हम बार बार उन्हीं सांसदों को चुनते हैं। अब जिसके 10 सीट हैं, 10 में से 10 ही वंशवाद वाले जो लगातार चलते रहेंगे, तो किसानों की लगातार खराब मिट्टी करते रहेंगे ये जी। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम कॉलर्स किसानों की आवाज बनकर हमारे साथ जुड़े और लगातार हल्ला बोल में इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपके सामने। किसानों की आवाज बनना बेहद जरूरी है, किसानों की आवाज पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों तक और उनकी मेहनत को इस तरह जाया ना जाने दिया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अल्लाह बोल में, बात किसानों की और उनकी बर्बाद हुई फसल की, बर्बाद हुए गेहूं की। किसान मेहनत से जिस फसल को बनाता है वो खुलेआम रखी जाती है और बारिश आती है और वो बर्बाद हो जाती है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में यही तस्वीर देखने को मिली है, करनाल, राय, रादौर में बूंदाबांदी हुई है और थोड़ी सी बूंदाबांदी में खुले में रखा गेहूं पूरी तरीके से सड़ चुका है। मंडियों में शेड की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, क्यों इन किसानों की फसल को खुले में रखा जाता है, आखिर कब तक इसी तरह किसानों को मौसम की मार पड़ती रहेगी, कब तक इसी तरह अधिकारियों की लापरवाही और खराब सिस्टम का खामियाजा किसान ही भुगतते रहेंगे? ये गंभीर सवाल है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है, अपनी फसल तैयार करता है, सड़ने के लिए नहीं छोड़ता है, सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। ये देखिए आप हरियाणा की मंडियों के हालात, खुलेआम बारदानों में गेहूं पड़ा हुआ है और कैसे थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, पूरा गेहूं बर्बाद।
हमारे साथ रोशन लाल जी जुड़े हैं, कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे, किसान जिस फसल को इतनी मेहनत से तैयार करता है वो ऐसे बर्बाद हो जाती है, कौन जिम्मेदार? फसल का बुरा जी फसल का बुरा सबसे डाली तो मैं उसके पैसे मिल रहे जी, गेहूँ का भी थोड़ा बुरा हाल सही। हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन लाल जी। तो किसानों की आवाज बनकर अल्लाह बोल में कई लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। कैथल से कॉलर जुड़े हैं मोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मोहर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी जी, बोलिए क्या राय है आपकी, कौन जिम्मेदार है? आज के समय में ये सबसे किसान विरोधी सरकार भाजपा की सरकार है जी। सर छोटूराम जी ने कहा था एक किसान मेरी दो बात मान ले, बोलना दे सीख और दुश्मन पहचान दे। अब हमारे हरियाणा का किसान अपना दुश्मन पहचान चुका है, सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा सरकार है। किसान को सबसे पहले ये सरकार हटानी चाहिए जी। लोकसभा विधानसभा में इलेक्शन में किसान बिल्कुल भी वोट नहीं देगा भाजपा सरकार को, खतर को धूल चाटनी पड़ेगी। सरकारें तो इस देश में इस प्रदेश में और भी रही हैं, खट्टर सरकार से पहले शेड्स तो उन्होंने भी नहीं बनवाए, ये सिस्टम जो बना बनाया बना के तो वही गए हैं, फिर चाहे हुडा सरकार हो चाहे उससे पहले किसी और की सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी एक सरकार की जिम्मेदारी है, किसी एक सरकार को हम गलत नहीं ठहरा सकते इस पूरे मामले के लिए। किसानों के साथ जो हो रहा है ये आज की घटना नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है, जो पिछली सरकारें रही हैं उनका कार्यकाल भी ऐसा ही था। कॉलर जुड़े गुरुग्राम से, राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या राय है आपकी? नंदनी नमस्कार जी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम भगवान पे दोष दे रहे थे, मैं आपको बात बताता हूँ, परमात्मा तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और चने के साथ गुण पिसता है, इन चीजों को सोचने की बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम मोदी मोदी कर रहे हैं या हम जो अपने समर्थकों को वोट देते हैं, परमात्मा तो सजा देता है और अब चुनाव चल रहे हैं वो याद दिला रहा है कि अब अन्यायकारी को वोट ना दें वरना इसी तरह होगा, लेकिन चने के साथ घुण पिसेगा, अच्छे भी उसमें पिस जाते हैं। परमात्मा ने भेजा है इंसान को, इंसान इंसान की पूजा करे, इंसान इंसान की नफरत पैदा ना करके उसको एक दूसरे का काम करे तब जाके, और इस सरकारों को इसीलिए चुना जाता है कि इंसान की पूजा करे, परमात्मा तो सिर्फ भेजता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार को दोष दिया जा रहा है, और ना सिर्फ गलती इस सरकार की बल्कि इससे पहले जितनी रही उनकी भी, मंडियों में ऐसी व्यवस्थाएं खराब क्यों? कॉलर जुड़े हैं पानीपत से हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, किसान जिस फसल को इतनी मेहनत से तैयार करता है वो अगर इस तरीके से बर्बाद हो जाए तो कौन जिम्मेदार? हेलो जी जी, हेलो जी, जयप्रकाश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है जी जी, बोलिए। मैंने एक किला सरसों बोया था तो दो बार रिकॉर्ड चढ़वा लिया जी, दो चढ़वा ली फिर भी नहीं बिक्री जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरसों उगाने वाले किसानों की भी कई परेशानियां हैं, लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि उनकी सरसों खरीद ही नहीं जा रही है, और इसी वजह से अब चुनाव का भी वक्त है तो किसान खुलकर हल्ला बोल रहे हैं, और किसान कह रहे हैं कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, और सरकार से नाराज किसान खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और किसानों की जो नाराजगी है वो लाजमी है, क्योंकि बेहद मेहनत के साथ पूरे देश को अन्न देने वाला अन्नदाता इस तरीके से अगर परेशान होगा तो ये बेहद निराशाजनक है। चाहे हम कितने भी विकास के दावे कर लें, विकास की बातें कर लें, लेकिन अगर देश के अन्नदाता की स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये कई गंभीर सवाल हैं, और प्रदेश में लगातार जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, बूंदाबांदी हुई और पूरा गेहूं सड़कर खराब हो गया, किसान इतने महीने तक भरी गर्मी में सर्दी में अपनी फल को जोतता है, अपनी फल को बनाता है,
और वो फल बड़ी मुश्किलों से तैयार होती है, लेकिन देखिए उसके बाद उस फसल का क्या हाल होता है। कॉलर जुड़े हैं चंडीगढ़ से। सलीम जी स्वागत है आपका, आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप क्या कहेंगे? मैम मैं ये कहूंगा ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है सरकार की बनती है, उनको मौसम विभाग से इंफॉर्मेशन होती है कि बारिश आने वाली है या बारिश कब आएगी। मंडी में से जो भी अनाज लिफ्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है ताकि टाइम टू टाइम अनाज को कैरी करके गोडाउन में रखवाया जाए। ये तो टोटली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें किसान का क्या बेचारेगा फॉल्ट है? क्यों? क्योंकि उसने तो करके अनाज उगाया है ना, अनाज उगा के मंडी में लेके आया। ये टोटली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ये टोटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जी गवर्नमेंट को ही मैम जी बोलिए बोलिए जी। तो मैम ये तो गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है, इनको चाहिए था सब कुछ टाइम टू टाइम करवाना ताकि किसी को इस प्रकार परेशानी ना भुगतनी पड़े। जी बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वक्त रहते कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है और वक्त रहते नहीं उठाए गए हैं इसलिए ये हालात हो रहे हैं और आज भी नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जगमोहन जी जुड़े हैं सोनीपत से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ मैम। जी जी बोलिए मैम। ऐसा है किसान इतनी मेहनत से गेहूं फसल पैदा करता है और मंडी में आने के बाद उसका कोई भी समाधान नहीं है, ना शेड है, कच्चे में गेहूं पड़ा रहता है, थोड़ी बारिश हो जाती है वो बर्बाद हो जाता है। ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए जी, किसान का गेहूं या और कोई फसल मंडी माने के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए, या तो शेड के नीचे रखवाओ या गोदाम में रखवाओ। बारदाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, किसान के ऊपर सारी मार पड़ती है मैम जी, है? इसका समाधान कौन करेगा जी? बिल्कुल बिल्कुल ये बेहद मार पड़ती है। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने कि इसका समाधान कौन करेगा, इसका समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसका समाधान सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है, पूरे सिस्टम में चूक है जिसका खामियाजा किसान आए दिन भुगतते हैं। कभी फसल जलकर खाक हो जाती है, कभी फसल पर पानी फिर जाता है। ये जो जितनी मार किसानों पर पड़ती है इनके पीछे एक बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो सरकार और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की भूमिका होती है। इस ओर उनको वक्त रहते ध्यान दे देना चाहिए, अन्यथा किसान जिस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं उनका गुस्सा, उनका जो आक्रोश है वो लाजमी है, उसको आप नाजायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इतनी सारी आपबीतियां किसानों के साथ होती हैं और वो लगातार अपनी आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज को सुना नहीं जाता है। इसी के साथ हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही।